हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी स्टाइल छोले भटूरे। बहुत फेमस है पंजाब के छोले भटूरे, जो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आइए बनाते हैं। ये बार दो बार वॉश करके मैंने ये 7-8 घंटे के लिए गलाए थे, और ये कुकर में डाल करके उनको 5-6 सीटी ले लेंगे। नमक डालेंगे और डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, और उसको 5-6 सीटी ले लेंगे इसमें बंद करके। अब हम तैयारी कर लेते हैं इसकी छौंकी। बस ग्राइंडर में डालेंगे लहसुन प्याज, उसका पेस्ट बना लेंगे, और 3 टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। अब कढ़ाई में ले लेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल, रिफाइंड तेल लिया है मैंने। गर्म होने के बाद डालेंगे इसमें 1 चुटकी हींग, जीरा, राई और तेज पत्ता, बड़ी इलायची 2-3। उसके बाद डालेंगे कटी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसको चला लेंगे। अब डालेंगे प्याज की प्यूरी, और अच्छे से इसको भूनेंगे। तब तक ये ब्राउन हो जाएगा, तब तक उसको अच्छी तरह चलाते रहें। ब्राउन होने पर इसमें डालेंगे टमाटर प्यूरी, उसको अच्छे से मिला लें। अच्छी तरह चला करके इसमें डालेंगे 2 चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अच्छे से मिलाएं इसको और भूनें इसको, उस मसाले को। अब हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें डालेंगे छोले मसाला अच्छे से 2 चम्मच के करीब। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें डालेंगे हम 2 ग्लास पानी इसको पकाने के लिए। छोले की ग्रेवी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे छोले, अच्छी तरह छोले चला ले रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला, और अच्छी तरह मिला लें इनको। अब हम तैयारी कर लेते हैं भटूरे की। एक बड़ी परात में ले लेंगे, कम से कम 1/2 किलो मैंने इसमें मैदा लिया है। छान लें इसको अच्छे से। छानने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और 2 बड़े चम्मच मैंने डाला है इसमें सूजी। सबको अच्छी तरह मिला लेंगे। मिला करके इसका डो जो लगाना है वो मैं दही में लगाऊंगी अच्छे से। बहुत टाइट नहीं कूदना है, और ज़्यादा ढीला भी नहीं। ये देखिएगा, अब इसको हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब हम चेक कर लेते हैं छोले। हमारे छोले तैयार हो चुके हैं। अच्छी तरह चला कर देख लें, देखिए अच्छी ग्रेवी बनी है। अब इसको हम हरा धनिया डाल देंगे इसमें लास्ट में। बस ये तैयार हो चुके हैं हमारे छोले। अब हम भटूरे बेल लेते हैं। मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है, अच्छे से गर्म कर लिया है। अब एक एक भटूरे हम गुलाबी होने तक सेकेंगे इनको। देखिए कितने फूले फूले बने गाइस, एकदम बढ़िया। अब इसको पलट लेते हैं। ये गुलाबी ही अच्छे लगते हैं। बारीक कटे हुए प्याज और नींबू के साथ इन्हें सर्व करिए। देखिए गाइस कितने अच्छे बने हैं छोले। इसकी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी है, देखने में एकदम मस्त लग रहे हैं। तो आप खाइए और दूसरों को भी खिलाइए।